मुंबई में जाइए तो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड। एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जो मुंबई का गवर्नर था। उसका एक ही काम था, किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल करना। और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगा दिया था 90%। मतलब क्या है, कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था। इतना लगान लेता था वो किसानों से, एल्फिंस्टन। और पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। जिस आदमी ने मुंबई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो, उस आदमी के नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है। एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है बंबई में। एक बहुत खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था फर्ग्यूसन। वो पूना में एसएसपी बन के आया, और पूना में एक समय बहुत खराब आया था, जब प्लेग फैल गया था, महामारी आ गई थी, उसमें लाखों लोग मरते थे। उस जमाने में जब लाखों लोग पूना में रोग से मरते थे, ये फर्ग्यूसन नाम का पुलिस अधिकारी लोगों के घरों को लूटता था, बर्बाद करता था। उसके नाम पर पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज बना हुआ है, चल रहा है। लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था दिल्ली में, जिसने 1857 की क्रांति के लिए लड़ने वाले भारत के जो वीर सिपाही होते थे उन पर गोलियां चलाई थी, और सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों को मारा था उसने अपनी गोलियों से। उसके नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है। ऐसे में कितने नाम गिनाऊं आपको। हमारे देश में गुलामी की निशानियां भरी पड़ी, कहीं बिल्डिंगों के रूप में, कहीं सड़कों के रूप में, कहीं मूर्तियों के रूप में।